आज मैं एक बात करने वाला हूं कि जो कॉमनली प्रेजेंटेड सिम्टम्स लेकर लोग मेरे पास में आते हैं, क्या होता है कि बहुत बहुत कॉमनली है ये, और लोगों को समझता नहीं कि भाई ये साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है करके। कहता है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही हाईली सेंसिटिव हूं, और लोग रहते भी हैं तो उसके बारे में, तो सेंसिटिविटी, डिप्रेशन और अकेलापन, इसके बारे में बातचीत करूंगा, और उसके साथ साथ आने वाली निगेटिव थिंकिंग। अभी ये लड़का देखिए, मैं भी बताता हूँ आपको, 31 साल का ये लड़का है, ड्राइविंग का काम करता है, और ये सिम्टम्स लेके ऑनलाइन उसने मेरा टाइम लिया और कंसल्टेशन किया। बोले कि मुझे पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है। बोले क्या हो गया भाई? बोले मैं हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी का हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे दिमाग को बहुत ही लग जाता है, और किसने कुछ बोल दिया तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तू नर्वस है गया काम से, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है, बोलता है ये मजाक कर रहा है, मतलब अच्छा बोलो तो ये मजाक कर रहा है सामने वाला, ऐसा उसको लगता है। कमेंट पास किया, क्रिटिसाइज किया, डाउन हो जाता है, ऐसा बोले मुझे प्रॉब्लम है, और उसको ऐसा लगता है फिर भाई मैंने अकेले रहना चाहिए, किसी में जाना ही नहीं, किसी के साथ में जाना ही नहीं, क्योंकि कुछ ना किसी के साथ में रहेंगे आप तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहता है, इसको लग जाता है तुरंत। फिर इसको लगता है कि अपन किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, और कोई उसके पास में जाता है और बात करता है तो उसका सिर दर्द करना चालू हो जाता है कि भाई क्या होगा। भीड़ में जाने के लिए उसको डर लगता है, नर्वसनेस आता है भीड़ में जाना है तो, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और कंटिन्यू निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नकारात्मक विचार, और वो काफ़ी सारी चिंताएं ही रहती है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फेल हो जाऊँगा, बॉस चिल्लाएगा, बच्चा है उसको 2 साल का, उसको कुछ हो जाएगा, पत्नी को कुछ हो जाएगा, कोई कुछ मेरे को बोलेगा, वो मेरे तरफ देख रहे हैं और मेरे बारे में कभी चर्चा करते हैं, ऐसा उसको लगता है, हालांकि वो पक्का विचार नहीं है, मतलब नॉट ए डिल्यूजन। और ये बोल रहा है फिर कि मैं फिर कुछ कुछ बातों के ऊपर बहुत ही हाइपर हो जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, और फिर मेरे संबंध और ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने लगा ये तो ठीक है, नॉर्मल है, मगर अभी इसके लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है कि भाई मैं दवाई आपको दूँ, मगर डेफिनेटली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, काउंसिलिंग से जरूर फायदा होगा। क्या होता है कि भाई ये ऐसी पर्सनैलिटी बनी ही क्यों? तो इसका कारण है कि इसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, हो सकता है कि माँ बाप पिताजी वो सेंसिटिव स्वभाव के होंगे, नर्वसनेस एंग्जाइटी वाले होंगे, घर में कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है, साथ में जॉइंट फैमिली है तो फिर साथ में किसी ना किसी को कुछ ऐसा हुआ है, या बड़े भाई बहन को, या फिर दोस्त में से किसको, या स्कूल में ऐसा कुछ तो भी हुआ कि मास्टर ने मारा, ठोका, चिल्लाया, या किसने बहुत ही टीजिंग किया बाकी बच्चों ने, और फिर उसका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अभी इसके लिए चर्चा करना, काउंसलिंग करना, उसको ये बताना कि भाई तेरे जो विचार है ये विचार नॉर्मल नहीं है, ये तेरे दिमाग के विचार है, ये ऑटोमेटिक विचार है, ये सबकॉन्शियस के विचार है, ये पास्ट में से आ रहे हैं, ये उसको हम बताते रहते हैं कि भाई ये पास्ट है, पास में कुछ तो भी हुआ करके विचार आते रहते हैं, वो मेमोरी बैग में आपने विचार जमा करके रखे हुए और वही आपको बार 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 दिमाग में आते हैं। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो हाँ बोलता है कि हाँ मैं पिक्चर देखता हूँ, सिनेमा जाता हूँ ना, तो वही 2-3 दिन मेरे दिमाग में चालू रहेगा, वही विचार चालू रहते, फिर वो सीन आएगा, वो विचार आएगा, वो गाना आएगा। तो ऐसा काफ़ी बार होता है ऑब्सेसिव लोगों को, जिनकी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, उनको भी ऐसा होते रहता है कि एक ही विचार घुस गया कि अंदर वही चालू हो जाता है, वो निकलता है नहीं, फिर नया विचार आया फिर वो आ जाएगा, फिर वो नहीं निकलेगा, फिर उससे उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता है, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, आंखों में आँख डाल के बात नहीं कर सकते। फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मैं देख रहा हूँ तो लोगों के प्राइवेट पार्ट की तरफ भी देख रहा हूँ, ऐसा लगता है, हालांकि वो देखते नहीं, उनको विचार आता है कि मैं देख रहा हूँ, और उसको लगता है कि मैं किसी के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखूँ तो सामने वाले को क्या लगेगा, और फिर उसको वो टालना चालू करता है। कोई स्त्री सामने आ गई तो उसके मैं ब्रेस्ट की तरफ देख रहा हूँ, और ब्रेस्ट की तरफ देखूँगा तो उसको क्या लगेगा, तो इसलिए मैं मिलता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ इनको कि भाई तुमको किसने बोला क्या कि भाई अरे यार तुम मेरे प्राइवेट पार्ट की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं बोला, ऐसा किसने बोला नहीं, कोई लेडी ने बोला क्या? नहीं, ऐसा कोई लेडी ने भी बोला नहीं, कोई लेडी ने आपको हटक दिया क्या?
या कोई लड़ी ऐसा चली गई उसको गुस्सा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको विचार आते हैं और आप कभी कभी करते हैं तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे उतना वो परसिस्ट करेगा, उतना रहेगा। तो जब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये विचार जो आ रहे हैं, विचार कितने रियलिटी में है, कितने सत्य है, क्या उसको कोई लॉजिक है, कोई साइंटिफिक बेस है, क्या मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होती रहती है। ये मेरे इमोशंस हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा सोच रहे, कि सच्ची लोग ऐसा सोच रहे, ऐसी काफ़ी सारी चर्चा होती रहती है। हिप्नोथेरेपी में हम बोलते हैं कि भाई सोचो, विजुअलाइज करो और आप कॉन्फिडेंट हो, डेयर डेविल हो, लोगों से अच्छी बात कर सकते हैं, मतलब आंखें बंद करके आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को उसमें देख रहे हैं। और मैं सभी काम बहुत ही आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ, और किसी ने कुछ भी बोल दिया तभी मेरे ऊपर जो असर होना है वो मेरी सोच है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बार बार यदि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नर्वसनेस है, तो नर्वसनेस हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा विजुअलाइज करना, ऐसा इमेजिनेशन करना, ऐसी तस्वीर बनाना, वो हम हिप्नोथेरेपी में सिखाते हैं। तो ऐसे जब चर्चा होती रहती है, प्रैक्टिस होती रहती है, तो धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो कि थोड़ा डेवलपमेंट चालू करो, कि भाई एक ही आदमी से बातचीत करो, छोटे लोगों के साथ में बातचीत करो पहले, अपने से कम पढ़े लिखे हैं, उम्र में कम है, उनके साथ में बातचीत, वहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर थोड़े बड़े लोग, फिर एक आदमी के साथ, फिर दो आदमी के साथ, फिर लोगों में जाओ। ऐसा धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते जाओ लोगों के साथ में मिलने का। तो ऐसी चर्चा काफ़ी सारी होती रहती है। डेफिनेटली आप में से, आप जो ये वीडियो देख रहे हो उनको खुद को प्रॉब्लम होगा, या आपके जो परिचित होंगे उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करो कि भाई ऐसा सब, ये दिमाग की उत्पत्ति है। दिमाग में 50,000 से 60,000 थॉट्स आते रहते हैं, उसके ऊपर हमने बिलीव नहीं करना चाहिए। वो चिक 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 दिमाग में चालू रहती है, वो निगेटिव है, हाइपर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, उसमें से निकलने वाला कुछ भी नहीं है। हम प्रेजेंट टू द प्रेजेंट कैसे रहना वो भी सिखाते हैं सम्मोहन उपचार में, हिप्नोथेरेपी में, वो सीखो। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, तो फिर हम उस समय दवाई देते हैं। दवाई देके थोड़े विचार कम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, तो विचार कम हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका इलाज हो सकता है। आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसमें कॉन्टैक्ट करो। आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हो। थैंक यू वेरी मच।